मम्मी मैं कैसे लग रही? आर यू एक्साइटेड? यस आई एम। और ये हमारी आलू पूरी है। हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है सैटरडे इवनिंग और यहाँ पर ना दो दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है और अभी हैं शाम के 4 o'clock हो रहे हैं और मुझे ना एक फ्रेंड के यहाँ से इनविटेशन आया है कन्या पूजन के लिए, तो मुझे अन्वी को लेकर के उसके घर जाना है। सो अभी हम लोग रेडी होकर के थोड़ी देर में फ्रेंड के घर जाएंगे। बहुत सुंदर दिख रहे हो आप। और फिर अन्वी रेडी हो गई और उसका डांस भी स्टार्ट हो गया है। उसको एक्चुअली इंडियन कपड़े बहुत पसंद आते हैं, तो वो जब भी थोड़ा भी फ्रिल का पहनती है तो तुरंत डांस करना स्टार्ट कर देती है। हम लोगों को अपने दोस्त के घर, लेकिन भगवान जी भी मेहरबान है, बारिश हो रही है। बट अन्वी बहुत एक्साइटेड थी कन्या पूजन के लिए। यहाँ नीदरलैंड्स में ऐसा ही है, कभी किसी भी समय बारिश हो जाती है, कभी धूप रहेगा सुबह में, धूप 2 घंटे के बाद बारिश शुरू हो जाएगी। ट्रैम कब आ रहा है? 6 मिनट्स में आ रहा है। और फिर हम अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गए। हम थोड़ा लेट से ही पहुंचे क्योंकि ट्रैम डिले चल रही थी बारिश की वजह से। और फिर अन्वी का कन्या पूजन हुआ। और आज है संडे और आज मेरा अष्टमी का व्रत भी है, तो मैंने बच्चों के लिए मैगी बनाया क्योंकि बच्चों को मैगी बहुत पसंद है, और अपने लिए केले का हलवा बनाऊंगी। और घर पर घी भी ख़त्म हो गया था, तो मैं एक दिन पहले ही ग्रोसरी स्टोर से अनसॉल्टेड बटर लेकर आई थी, क्योंकि घी का बहुत यूज होता है अपने व्रत वगैरह में, क्योंकि हम व्रत का जो भी खाना बनाते हैं वो घी में बनाते हैं, और समटाइम्स दाल फ्राई या रोटी में लगाने के लिए, और समटाइम्स तो मैं सब्जियां भी घी में ही बना देती हूँ। और ग्रोसरी शॉपिंग में मैं ये मूली लेकर आई, इतनी बड़ी मूली मिली मुझे वहाँ पर। अपने इंडिया में तो मूली छोटी छोटी रहती है, ये तो मूली जैसे लुक्स लाइक लौकी के जैसी दिख रही है। अब इस मूली के हम लोग पराठे बनाएंगे या सैलड्स में बना के खाएंगे, रायता बनाएंगे। और व्रत के लिए मैं भी बनाने जा रही हूँ केले का हलवा। केले का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 केला लिया हुआ है, थोड़ा गुड़ लिया हुआ है और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। आप चाहे तो इसको शुगर में भी बना सकते हैं, बट मैं गुड़ में ही बनाऊँगी आज इसको। तो सबसे पहले मैं केले के छिलके को उतार लूँगी और उसको छोटे छोटे पीसेस करके ग्राइंडिंग जार में डाल दूंगी और उसको फिर पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, बट उसमें पानी नहीं डालना है, पानी बिना पानी के ही उसको ग्राइंड करना है। और यहाँ पर हमारा केले का पेस्ट बन करके तैयार हो गया है, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही इसको ग्राइंड करना है। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें घी डाल दिया है, और घी के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें केले का जो पिसा हुआ केला है उसको हम ऐड कर देंगे और उसको लो मीडियम फ्लेम पर मिक्स करेंगे, और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसकी केले की जो रॉ स्मेल होती है, कच्चापन, वो निकल ना जाए, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही इसको भून लेंगे। और भुनने के बाद केला हमारा थोड़ा ड्राई लग रहा है तो हमें 2 टेबलस्पून घी और डाल देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर बनाना हमारा भुन गया है क्योंकि घी बनाना से अलग होने लगा है। फिर मैंने एक पैन लिया और गुड़ उसमें डाल दिया एंड 1/4 बाउल पानी उसमें ऐड कर दिया। हमको गुड़ की चाशनी नहीं यहाँ पर बनानी है, ओनली गुड़ को मेल्ट करना है और बॉयल करना है।
और गुड़ में एक उबाल आ गया है, अब हम इसको हलवे में ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसको पकाएंगे। और फिर 1 टीस्पून घी डालेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। और एक बात मेरे दिमाग में नहीं आई, मैंने जो गुड़ यूज़ किया था वो एक्चुअली पुराना था, जिसकी वजह से केले के हलवे का कलर थोड़ा सा अलग ही दिख रहा था, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था। मैंने जब खाया तो बहुत ही टेस्टी बना था, बस ओनली पुराने गुड़ की वजह से थोड़ा कलर उसका अच्छा नहीं दिख रहा था। और फिर थोड़ा हलवा मैंने खाया, थोड़ा बच्चों ने खाया, बट बच्चों को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो मोस्टली आटे का हलवा और सूजी का हलवा खाते हैं। और इसके बाद मैं और अनवी रेडी हो गए। अनवी के स्कूल के फ्रेंड थी, उसकी बर्थडे पार्टी है। ओ, क्या बनाया है कार्ड पे? और हम लोग बस लेने के लिए बस स्टॉप पर पहुंच गए, लेकिन बस थोड़ा लेट थी तो यहाँ पे अनवी की मस्ती शुरू हो गई फिर से। वो अभी फॉल का सीज़न है तो बहुत सारे पत्तियाँ नीचे गिरी पड़ी थी और पत्तियों का कलर इस समय थोड़ा चेंज होता है। अनिक दूर दूर। बस आ गई। और अभी हैलोवीन स्टार्ट होने वाला है ना, तो इन लोगों ने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ है। हाँ, ओ वाव, नाइस। हाँ, और अभी 2-3 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा आज भी बारिश का ही मौसम मिलेगा हम लोगों को, बट आज अच्छा वेदर हो गया। सुबह से दोपहर तक तो बारिश थी, बट अभी अच्छा वेदर हो गया है। धूप के दर्शन हो गए, भगवान जी के भी, सूर्य देवता के। और आज अष्टमी भी है, तो आज मेरा फास्ट भी है। तो अभी मैं अनवी को लेकर के जा रही हूँ उसके फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी के लिए, और उसके बाद फिर मैं उसको ड्रॉप करके घर आ जाऊँगी। वी आर यू एक्साइटेड? यस। और हम लोग फन जोन पहुंच गए और इधर अनवी की मस्ती शुरू हो गई। और ये पूरा गुफा जैसा है। अभी हम लोग थोड़ा अर्ली पहुंच गए क्योंकि संडे को ना बस की फ्रिक्वेंसी 1-1 आवर की रहती है, तो हमने थोड़ा अर्ली वाली बस ले ली और अर्ली पहुंच गए। तो अभी हम अनवी के फ्रेंड्स के पेरेंट्स का वेट कर रहे हैं, जब लोग आएंगे तो हम ड्रॉप करके घर जाऊँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट है, नवरात्रि का अष्टमी है। और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि माता रानी हम सबकी लाइफ में खुशियाँ बनाकर रखें। घर आते समय कैनाल के किनारे मुझे ये ब्यूटीफुल हाउसेस दिखे, तो मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप बना ली ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। नाउ अभी मैंने अनवी को ड्रॉप कर दिया है और अभी घर जा रही हूँ बस के लिए, बस स्टैंड पे जा रही हूँ। और एक अच्छी बात हो गई कि मुझे अनवी को पिकअप के लिए नहीं आना है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने ही बोला कि मैं घर पर ड्रॉप कर दूँगा अनवी को, आप अभी फिर से रिटर्न में मत आना पिकअप के लिए। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स मिल गया कि मुझे फिर से आना नहीं है। और घर पर तो मैं लंच वगैरह सबका बना के आई हूँ,
बट अपने लिए भी थोड़ा केले का हलवा बनाया है, बट अभी साबुदाना भिगा के आई हूँ तो उसको जाके बनाऊंगी अपने लिए एंड थोड़ा रिलैक्स करूंगी। और ये नीदरलैंड की विलेज एरिया है और यहाँ के हाउसेस बहुत सुंदर दिख रहे हैं और पीछे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, ग्रीन हाउस हैं जहाँ पर ये लोग खेती वगैरह करते हैं। और अभी फॉल का सीजन स्टार्ट हो गया है, इवन पीक पर है, अक्टूबर में फॉल पीक पर रहता है तो पत्तियाँ कलर चेंज करना शुरू कर दी हैं। और फिर मैं घर आ गई बट मेरा साबूदाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था तो मैं आलू बॉयल करके गई थी। तो फिर मैंने पैन लिया, उसमें करी पत्ता डाला, थोड़े जीरे डाले, घी डाला, ग्रीन चिली डाली एंड थोड़ा सा अदरक डाल के भून लिया पहले। अदरक को ज़्यादा मैंने भूना नहीं क्योंकि अदरक जल जाता है। और उसके बाद मैंने आलू डाल दिया जो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था और उसको अच्छे से भून लिया। और यहाँ पर आलू थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए हैं तो अब हम इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और उसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने इसमें रोस्टेड पीनट जो मैंने मिक्सर में रफली ग्राइंड कर लिया था ऐड कर दिया। पीनट डालने से ना आलू का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा और टेस्टी लगने लगता है। और इसके बाद फिर मैंने धनिया डाल दिया और यह 10 मिनट्स में बनने वाली बहुत ही क्विक रेसिपी है आलू फ्राई की। तो आप लोगों को व्रत के खाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।